तो गाइस यार ये बिग बॉस पागल हो गया गाइस, पागल हो गया कि यार ये सोच रहा होगा कि यार भाई मैंने जिसको लिखा है वो कंटेन की जगह लफड़ा कर रही है। क्या उसी वक्त उनके हस्बैंड से जाके ही बात बोलनी चाहिए थी? उसको मेरे को करो कान में जा, फुसर फुसर करते हुए मारे थे, हाथ में दे दो बेहतर होगा। मैंने तो आपको कल ही बोला था मेन टारगेट पे हूँ मैं। अरे कोई फर्क नहीं, और जब टारगेट पे आते हैं ना तब मजा आता है। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है। तो गाइस 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 यार देखो यार ये मेरे को यार ये सब देख के ना इतना बुरा लगता है कि यार है क्यों आखिर क्यों गई मेरे को यार। सबसे पहले ये बात बताओ यार, पहले तो भाई इतनी लफड़ा की यार कि भाई इसके साथ झगड़ा की, इसके साथ झगड़ा की यार, फिर फेमस हो गई, वड़ा पाव बेचते बेचते, मतलब यार इतना तंग आ गया था यार उसका यार ये लफड़ा देखते देखते। फाइनली यार बिग बॉस में जाके वही फाइटिंग, आखिर क्यों गाइस बताओ यार, क्या कमी पड़ गई यार फाइटिंग करने में भाई। मतलब यार मेरे को ना देखने का मन ही नहीं करता यार, जब से देखो यार गई है ना तब से ना यार बिग बॉस है ना बेचारा यार डूब रहा था यार, ऐसा उसका जो ग्राफ था ना ऊपर जाने की जगह नीचे जा रहा था गाइस। बताओ यार मतलब इतना बोरिंग लग रहा था यार। बताओ यार देखो यार सबसे पहले बड़ा वड़ा पाव बेचते बेचते फेमस हो गई, बढ़िया है फेमस हो गई यार दीदी ने, फिर बेचते बेचते यार झगड़ा भी की, जेल में भी गई, सब कुछ हो गया, फिर भी यार बिग बॉस को यार आंखें ही नहीं खुला कि यार इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलो भाई आ जाओ हमारे बिग बॉस में कंटेंट मिलेगा, काय का कंटेंट भाई, बेचारे बिग बॉस बोल रहा है तुम्हारे से कोई कुछ कंटेंट वगैरह नहीं निकल रहा, तुम निकलो घर से निकलो। आपको घुटन हो रही है घर में? घुटन वाली बात नहीं है सर, बात ये आ रही है कि मैंने आपने बोला है कि आपको घुटन हो रही है। हाँ उस दौरान हो रही थी, बट जब अरमान भैया ने कहा कि भैया मेरी पत्नी का मैटर है आज से बाद इसको कोई नहीं उठाएगा, तो फिर मैंने उस चीज का शब्द तक नहीं बोला। That was great, अरमान आप क्यों उछाल रही थी? देखो यार जब से यार विशाल भाई और अपना जो ट्विन वन अरमान भाई है भाई, इसका जब से झगड़ा हुआ ना तब से यार वड़ा पाव का मतलब तेवर चेंज हो गया गाइस, तेवर चेंज हो गया। मतलब यार ये तो लड़की का रिस्पेक्ट करता है, मैं क्यों रहूं, मैं क्यों बोलूं, मैं तो लड़की हूँ, मेरे को भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा मन में ये वो। मतलब यार इतना गंदा सोच, बताओ यार। और यही मतलब दूर दूर से लोग आते इसका वड़ा पाव खाने, बताओ यार लोगों को भी यार कोई अक्कल वगैरह नहीं है भाई। बताओ 50 रुपये का वड़ा पाव खाने दूर दूर से कोई आता क्या? बताओ यार 500-600 रुपये दे के फिर 50 रुपये का वड़ा पाव खाने, यार मतलब लोग भी इतने पागल है यार। बताओ यार भाई इतना झगड़ा हुआ बाहर, आप लोगों को कोई अक्कल ही नहीं है। बताओ यार 50 रुपये का वड़ा पाव फेंक के मारूंगे आपके मुंह पे, और आप 20 रुपये का वड़ा पाव फेंक के मेरे मुंह पे मारा। वैसे यार बिग बॉस में गई मैं बाहर जाऊंगा ना तो 50 रुपये का वड़ा पाव फेंक के मारूंगा बिग बॉस के घर पे। आज जो घर से बेघर होने वाला है वो है चंद्रिका दीक्षित। आप तुमने जैसे मेरे को निकाला ना वैसे ही मैं फेंक के मारूंगा भाई। जब से यार झगड़ा हुआ ना यार तब से यार मतलब यार इतना बेकार, मतलब यार मैं बता नहीं सकता भाई, मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे, इतना बेकार यार दिन आ गया बिग बॉस की के क्यों आखिर क्यों लिया। बिग बॉस भी यार तड़प रहा होगा कि यार मैं क्यों लिया यार, ना मेरे को कंटेंट मिल रहा ना कुछ मिल रहा ना, बस ये फालतू के यार लोचे झगड़े चालू यार। बताओ इसकी वजह से यार ना मेरे को कंटेंट मिल रहा, बिग बॉस भी सोच रहा होगा भाई ना मेरे को कंटेंट मिल रहा ना कुछ भाई, बस मेरे को सिर्फ लफड़े यार झगड़े बस भाई। जब से यार झगड़ा हुआ ये विशाल और अरमान का तब से यार ये तो यार डिसरेस्पेक्ट कर रहा, मेरा पति देख रहा होगा क्या सोच रहा होगा यार कि ये घर पे है ये वो, मतलब इतना गंदा सोच हो सके तो भाई इसका। मुझे पूछा गया था कि चंद्रिका जी आप मुझे अभी तक जान नहीं पाई हो, अगर आपको मुझे जानना है तो बैठो मेरे पास फिर जानो मुझे। चंद्रिका मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर जज करना है तो मेरे साथ आप बैठो। विशाल एक मिनट चंद्रिका मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? जी सर। कि आपको ऐसा लगता है कि विशाल का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हुआ था? हाँ जी सर। तो ये रीजन क्यों नहीं था नॉमिनेशन में? चंद्रिका दीक्षित क्या है क्या नाम है यार, मेरे को ना यार फालतू के नाम याद नहीं रहते। तो यार चंद्रिका दीक्षित है जो बोलती है कि अगर मेरे साथ बैठेगा तो पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। मतलब यार विशाल भाई को बोल रहा है कि यार मेरे साथ अगर बैठेगी तो, मतलब यार क्यों बैठना यार, बिचारे का यार जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बैठे तो।
भाई कसम से बोल रहा भाई, इतना झगड़ा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी बिग बॉस को कोई अक्कल ही नहीं गाइस, ले लिया यार। चलो भाई कंट्री मिले, काय का कंट्री, बेचारा बिग बॉस भी बोल रहा कि यार क्यों लिया मैंने, क्यों लिया यार, कंटेंट की जगह यार झगड़ा, यार एंजॉयमेंट की जगह झगड़ा, एंटरटेनमेंट की जगह झगड़ा। भाई मतलब इतना गंदी सोच है यार, मेरे को यार समझ भी नहीं था यार लोग क्यों आते यार दूर दूर से वड़ा पाव खाने। यार मेरे को भी यार अजीब लगता है कि यार देखो मैं सब चार ही दूंगी वड़ा पाव, और 50 रुपये का एक वड़ा पाव है, तो मतलब यार क्यों खाना भाई बताओ यार, इतने टेस्टी टेस्टी खाना 20 रुपये का भी मिल जाता यार। नहीं लोगों को मतलब लोग इतने पागल कि यार 50 रुपये का वड़ा पाव खाने आ जाएंगे इतने दूर दूर से। भाई वड़ा पाव खाना है तो यार 20 रुपये का भी मिल सकता, वही टेस्ट वही सब कुछ मिलेगा यार, ऐसा कुछ नहीं। वो देखा नहीं दीदी का जो काहे का टेस्ट, यार मैं दिखा नहीं सकता यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार वो सब दिखाने से। तो यार समझो यार, बिग बॉस देख रहे हो तो यार समझो यार, टेस्ट कहाँ से आता मैं आपको बताया ना, हाथ कहाँ कहाँ नहीं जाता यार, इधर 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 पसीना हिस्सा पोचा यार वही इधर भी घुस जाता यार हाथ, समझ रहे हो, और वही यहाँ से वड़ा पाव लो 50 रुपये का वड़ा पाव, 50 रुपये का वड़ा पाव लो।